एक बार फोन करा तो मारने की धमकी दिया जी, अगर आगे तो मार दूंगा। हमने पोता पोती देखने के लिए बहुत तरस रहा हूँ जी, नहीं मैं टाइम पर खाना खाता हूँ, बच्चा को ध्यान में रखता हूँ 24 घंटे, क्योंकि उन्होंने हमारा लड़का उसको लेने के लिए गया था, वहां से बेइज्जत करके निकाला जी, वहां से उसके बाद वो आके उसने आकर के सल्फास की गोली खाई जी। उसका कारण मैंने ये है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित। पिछले 6 साल से इन महोदय के जो पोता पोती हैं वो इनका कहना है कि गायब चल रहे हैं। अब पूरा मामला क्या है वो तो इन्हीं से जानेंगे, लेकिन फिलहाल मैं मौजूद हूं बहाड़ा गांव में, जो कि रेवाड़ी जिले का और हरियाणा राज्य का एक गांव है, और यहां पे जो शख्स बैठे हुए उन्हीं के साथ में 2-4 शख्स और भी मौजूद हैं। अब पूरी परिस्थिति क्या है वही जानने के लिए यहां पे पहुंचे हैं। चलिए पहले इनसे बात कर लेते हैं। सब आपका नाम बताएं। मेरा नाम यशपाल सिंह सोनोफरन जी। यशपाल जी, क्या हुआ है, पूरा मामला क्या है, आपके जो पोता पोती आप गायब बता रहे हो, गायब कैसे हुए, कैसे क्या मामला? पुत्र वधू ने उसका भाई आया था केशव लेने के लिए, मैं कल वापस घर जाऊंगा और मुझे जी को भिवानी हॉस्पिटल में दिखाऊंगा। उसके बाद जी मेरे को नहीं तो मिले हैं, नहीं उसको शिकल दिखा रहा है जी। कहीं फोन करता हूँ तो धमकी देता है, अगर मैं गोली मार दूंगा मेरे घर पास आ गया तो। अच्छा, पूरा मामला क्या है, आपके घर में कितने सदस्य है, कौन कौन है, और जो आपकी पुत्र वधू आप बता रहे हो वो कैसे घर से गई, क्या मामला है, इस बारे में बताएं। यहाँ से जी रांची घुसी गई थी, हम धनी भी तो दोनों है, एक वो थी, तीन आदमी थे, चौथा तो आदमी नहीं था जी। वो पत्ता पत्ती का चार दो जी। और जी उसकी वो क्या कह रहे हैं, वो राजी खुशी ले गया थोड़ा था, हमारा बात का प्रोग्राम था। उसका बाद मुझे ना हमारे घर कोई फोन आया ना, हमने बाद में मेरा पट्टा की ना भाई शादी कर दी दूसरी जी। आपका बेटा वो एक्सपायर हो गया 30-8, बेटा एक्सपायर हो गया 30-8 हो गया था जो आपकी पुत्र वधू उसकी कहीं और शादी कर दी। हाँ जी जी, उसकी तू शादी कर दी और उसके बाद में नहीं तो बालकन दिखा रहा जी, होगा तो मार दूंगा तुमने, मेरे घर पर नहीं आओगा। तो हम तो जी कोर्ट में भी पुलिस में भी सब किया, एसपी डीएसपी का मैं तो छिक लिया जी, परेशान हो रहा हूँ, ईशा जी करेगा तब हत्या कर ले अपनी। कई जगह आप एप्लीकेशन लगा, काफी ज्यादा का एप्लीकेशन लगा, प्रशासन का कोई भी कोई फायदा नहीं, प्रशासन का कोई सुनाई नहीं कर रहे, सारे तो फोटो लू कोई सुनाई नहीं कर रहा जी। एक चौकी मत फोन आ जाता है, दोबारा फिर फोन नहीं आता, नहीं थाना में आता है, एक बार आता है दोबारा नहीं आता, नहीं कोई सुनाई कर रहा जी, नहीं तो चौकी वाला कर रहा, ना कोई एसपी डीएसपी कोई भी नहीं कर रहा। एक बार बुलाते हैं जी और खाना पूर्ति करके वापस भेज देते हैं, कोई सुनाई नहीं कर रहा जी। फिर आप अब क्या चाहते हैं? मैं पोता पोती को देखना चाहता हूँ, दे दिया उनकी मेहरबानी, नहीं तो मेरे पोता पोती को मेरे से मिलाते रहे जी, ताकि मेरी शांति कुछ आत्म शांति मिल जाए। अच्छा, एक बार यहाँ से जाने के बाद में कभी नहीं मिल पाया? नहीं जी, मिलाया नहीं एक बार भी, कोर्ट में गया था बुलाया, फिर वो कोर्ट में नहीं आया। उसके बाद मुझे, मैं परेशान हूँ, दिमाग तो अपना वो रहा, मेरा टेंशन तो पोता पोती की रहा जी, घर में कोई छोटा बच्चा है नहीं, धन तो धनी भी रहे और बच्चे हो तो हमारे पास शांति हो जाए, अभी हमारे पास बाढ़ गया, हम उसके साथ टाइम पास कर लें अपना, और हमारा टाइम पास करने का कोई लायक भी नहीं है, नहीं तो जी को पुलिस वाला मानता, नहीं जी कोई एसपी डीएसपी करते हैं जाओ और आपका काम हो जाएगा, वो काम भी नहीं होता जी। जी मैं इतना परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ बिल्कुल। तो आपको क्या कोई सूचना नहीं दी गई जिस समय पे आपने बताया कि आपकी जो पुत्र वधू उसकी दूसरी शादी कर दी गई? नहीं जी, कोई उस समय कोई सूचना नहीं, कोई सूचना नहीं थी मेरे से, तो नहीं बताया हम शादी कर रहे ऐसा, नहीं कोई बात ना हमारे को पूछी, और जी मैंने तो अपनी मर्जी तय कार्रवाई करी जी। उसका बाद मेरा पट्टा जब मैंने पूरे महिला था नाम जाकर उसका पूरा फैलाया था मैं, उसका बाद में ना तो मिली से और ना पत्ता पट्टी दिखा रहा हूँ, एक बार फोन करा तो मारने की धमकी दे, अगर आगे तो मार दूंगा, बताओ काम में तो नहीं तो लायक रहा, नहीं तो कहीं लायक भी नहीं, मतलब खराब हो रहा है। तो क्या आपने कहीं केस वगैरह भी किए? कोर्ट कर रखा जी जी, केस चल रहा है, चल रहा है जी। तो वहाँ पे क्या सिचुएशन है? वो जी तारीख पर नहीं आता, मैं तारीख में जाता हूँ, एक बार आवाज होती है तो वो अगला आता नहीं, उनका वकील आता पता नहीं, मेरे को तो वो बुलाया भी नहीं, गवाही खातर बुलाया था, मेरी गवाही भी नहीं हुई फिर जी, अभी आपको अगली तारीख ना आई हो, ये भी 4 तारीख थी, 5वां महीना ही मेरी, मैं वहाँ गया बोले बेटा अगला महीना तारीख से, और मैं घर ना पहुंचा, ये नंबर फोन मैसेज आ रही है अभी आपकी तारीख होगी। लगभग कितना समय हो गया पूरे मामले को? ये हो लिया जी 7 साल लग रही है जी, 7 साल लग रही है बिल्कुल। मतलब साफ तौर पे कहने का मतलब ये है कि आप अपने बच्चों को देखने के लिए तरस रहे हैं? हाँ जी, मैं अपने पोता पोती देखने के लिए बहुत तरस रहा हूँ जी, नहीं मैं टाइम पर खाना खाता हूँ, बच्चों को ध्यान में रखता हूँ 24 घंटे। अच्छा, इस बात को लेकर के कभी क्या कोई पंचायतें वगैरह भी काफी बार गई थी जी, कोई सुनाई नहीं करता, पंचायत की उसका भाग जाता है, पंचायत जाती है जो हमारे गांव के 8-10 आदमी गए थे, ताऊ जी का लड़का भी गया था और मोहन पंच था वो भी गया था जी,
और बैठ कर दूसरा करना है और अपना उतार सरपंच बुलाया, बोला भाई ठीक है तो मैं भेज भाज देंगे, आना जाना करवा देंगे। उसके बाद में कोई आना जाना नहीं, पंचायत का पेपर लेकर चाहे मैं दूसरा करना बैठा था। उसका बाद में आपका घर में जाने नहीं दो, दूसरा घर में बैठा उसे। उसका बाद में ना कोई बात करें तड़ंगता है उसका साल पड़ा वो तैयार हुआ कर लियो ना तुम्हारा पोती पता नहीं हलवास है, कभी तो हलवास बताते हैं कभी पोते के साथ जा रहे हैं, इतना नहीं पता पोता पोती है काजी इसी गर्मी में पता नहीं जीतते हम मर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं बात का। आपने आखिरी बार 6 साल पहले देखा था? हाँ जी, उससे पहले पहले बाद में कोई बच्चा नहीं देखा, इसी गर्मी में नहीं पता किस हालत में से भाई जीवन है मर गया इस बात का नहीं पता लग रहा। तो मैं तो यारी कोशिश करना चाहता हूँ जी आपसे, मेरा पोता पोती मेरे से दिखाया जाए और जी मेरा थोड़ी आत्मा में शांति मिल जाए और यही रिक्वेस्ट है जी मेरी से। बात बड़ी चली, और भी लोग हैं उनसे हम जान लेते हैं। साहब क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र नंबरदार है जी। नरेंद्र जी, जो ये घटना बता रहे हैं पूरी जो कहानी बता रहे हैं, मतलब कैसे क्या, आप लोगों ने शायद देखा होगा पूरी घटना को, कहानी को समझा भी होगा, कैसे क्या? ऐसा है जी, ये मेरे चाचा का लड़का है यशपाल सिंह और मैं इसके ताऊ का लड़का हूँ। दरअसल हमारा जो लड़का था अजय, वो 6-7 साल पहले एक्सपायर हो गया था। उसकी मौत का कारण भी उसका ससुर ही था। असल बात तो दर्श ये है, उसके बाद पुत्र वधु हमारी यहाँ रही घर। आप उसको मौत का कारण क्यों मानते हैं? मौत का कारण इसलिए मानता हूँ जी मैं जी। क्योंकि उन्होंने हमारा लड़का उसको लेने के लिए गया था, वहां से बेइज्जत करके निकाला जी। वहां से उसके बाद वो आके उसने आकर के सल्फास की गोली खाई जी। उसका कारण मैंने ये है, मौत का कारण तो यही है इसका, उसका ससुर ही है मैं उनका मौत का कारण। और अब समस्या ये चल रही है, उसके बाद वो पुत्र वधु यहाँ आई, उसका ससुर भी आया, सारी चीजें एक्सपायर हो गया, उसके बाद निधन हो गया, उसके बाद दाग भी लगा गए, उसके बाद उन्होंने सांत्वना दी थी कि लड़की यहीं रहेगी और अच्छी तरह रखना, हमें खूब अच्छी तरह उस लड़की को रखा, लड़कों को रखा। लेकिन एक दिन वो आए, उसका भाई आया, उसको लेके चला गया। उसके बाद आज तक उन बच्चों का ना पता है जी। ये आप नहीं पता, हमें शादी कर दी उसकी या नहीं की, ये हमें कोई ज्ञान ही नहीं है। और बताते हैं शादी तो कर ही दी, उसके पिताजी से बात हुई तो उसने बताया मैंने शादी कर दी, आप परेशान मत होना। उसके बाद हमने गांव में जाके भालवास में वहां कोशिश की, पंचायत की, उसको बुलाया, उसने कहा आपके पोता पोती को हम दे देंगे गांव के अंदर पंचायत के अंदर, उसने कहा। उसके बाद भेजा, उसके बाद भेजा नहीं। दरअसल मामला असल ये है, उसके बाद से आज तक हमने उनके पोता पोते का हमने दर्शन नहीं किए हैं, तो हाँ शक्ल भी नहीं देखे है। तो मैं तो प्रशासन से यही अनुरोध करता हूँ, कम से कम प्रशासन हमें कम से कम उन बच्चों को दिखाए सरी, ज्यादा कुछ ना होते हुए तो उनको और कुछ नहीं तो कम से कम उनको दर्शन करा दे, 10 महीना 20 दिन में एक बार बात करवा दे तो पिता को संतुष्टि हो सकती है। और उसका बाबा दादा लगता है, दादा दादा के पोता पोती बहुत प्यारे होते हैं, ठीक है जी। इसलिए तो मैं तो प्रशासन से भी अनुरोध करता हूँ, हर महकमे से अनुरोध करता हूँ कि उनके बच्चा बच्चों को एक बार जरूर दिखाएं जी। लेकिन साहब बता रहे कि जो केस है वो कोर्ट के अंदर चल भी रहा है अभी, हाँ उनकी तरफ से कोई आता भी नहीं? नहीं, कोर्ट में तो केस चल रहा है, मैं केस मैं खुद डलवा के आया था। उसके बाद वो पता नहीं वकील से तारीख लेते हैं कैसे लेते हैं, आज तक हमें उसकी भी उससे उनसे भी कभी मुलाकात नहीं हुई कोसले में। कोई कानून व्यवस्था इतनी लंबी है कि लगातार केस सालों साल चलते रहते हैं, तो ये समस्या तो यही है जी। तो हम तो इसीलिए तो हम प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं, नहीं तो हमें प्रशासन अनुरोध करने की जरूरत क्या थी जी। बालकों के नाम की कोई जरूरत नहीं है, वो बच्चा बच्ची है, वो भाई के पोता पोती है। मैं तो प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि उनको मिला दें एक बार, तो कम से कम ज्यादा नहीं तो एक बार तो कम से कम मिला दें, या ये पता लगा दे कि वो बच्चे जिंदा हैं या मर चुके हैं, इससे हमें संतुष्टि हो सके। अच्छा, ये चीजें भी प्रशासन आप लोगों को नहीं बता रहे कि बच्चे जिंदा हैं या कैसे क्या? नहीं, हमें तो आज तक किसी ने सूचना ही नहीं दी। दर दर भटक भी चुके होंगे? हाँ बिल्कुल, दर दर भटक चुके हैं, हर जगह गुहार लगा चुके हैं, एसपी ऑफिस में भी, एसडीएम ऑफिस में भी, हर जगह सीमेंडो भी लगा चुके हैं, हर प्रकार का जो हमने जो भी
प्रक्रिया थी हमने निभाने की पूरी कोशिश की है जी। लेकिन जो बच्चों की दादी है उनके क्या हालात हैं? वो तो अपना बेटा भी खो चुकी हैं, अब उनके पास ना पोता ना पोती ना बेटा। हालात क्या है जी? हालात तो खराब है उनके, पति पत्नी है दोनों ही, और भाई एक ही लड़का था, एक लड़की है उसकी शादी कर रखी है जी। और अब क्या है उनके पास? लेकिन अपने देसी में कहावत है कि मूल से प्यारा ब्याज ब्याज होता है, है ना? हाँ जी। और वही जो पोता पोती वो उनके पास है नहीं, जो ब्याज है उनका। हाँ जी, हाँ जी, यही मूल से प्यारा ब्याज होता ही है, इसमें तो कोई शक नहीं होता जी। और मैं तो यही कह रहा हूँ, बार बार प्रशासन से भी अनुरोध करता हूँ, आप लोगों से भी, मीडिया वालों से अनुरोध करता हूँ कि कम से कम ये तो पता चले एक बच्चे हैं या नहीं है, जिंदा है या मर गए, ये तो पता चले कम से कम। हाँ, या फिर जिंदा है तो कहाँ है, कम से कम ये तो पता चले जिंदा है तो कहाँ है और किस हाल में है, ये कम से कम इतना तो पता चले। अगर उनको अधिकार है कि भी उनकी माँ के पास रहना है तो ठीक है, उनकी माँ के पास तो रहें, कोई बात नहीं, लेकिन हमें दिखाए तो सही, एक बार दो बार महीने में कम से कम एक बार बात तो कराए, मिलवा दे बस, हमें संतुष्ट हो जाए बच्चे जिंदा है। हमें तो आप ये नहीं पता कि बच्चे जिंदा हैं या मर चुके, ये हालात ये हैं, असली कहानी ये है जी। तो गांव भी उठ करके गया होगा वैसे? हाँ, गांव में गए हैं काफी लोग, पंचायत गई है, आपके गांव से भी काफी, हाँ, लोग गए, काफी लोग गए, दो तीन बार भर लेते हैं, हाँ भर लेते हैं, उसके बाद दिखाते नहीं है और ना ही बात करते, फिर उसके बाद फोन भी नहीं उठाते, वो बात करते हैं फोन, जैसे टाइम दे दिया, जैसे आज हम गए 10 दिन का टाइम देते हैं, 10 दिन के बाद हम फोन करते, फोन ही नहीं उठाते, फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, समस्या ये है। मतलब उस टाइम पे जब आप शादी की बात कर रहे थे, समस्या क्या आई थी? जो आपका बेटा भतीजा जो भी था, तो क्या जो वो था, क्या बेरोजगार था या फिर क्या, पसंद क्यों नहीं करते थे उसके जो ससुर थे उसके? नहीं जी, वो पसंद था, बिल्कुल पसंद था, तभी तो शादी की थी ना जी, जबरदस्ती तो शादी नहीं हुई बिल्कुल। लेकिन उसके बाद आपने कहा कि उसकी मौत की वजह, मौत की वजह का कारण पता नहीं क्या था, उनके आपसी क्या मन मोटाव थे, घरवाले से हुए या उनके ससुर से हुए, वो तो वो जानते हैं जी। वो बच्चा बता सकता है, वो मर चुका है, वो बताएगा क्या आप? तो असल मौत का असली कारण तो यही है, उसका ससुर है, वही नहीं मिलने देता और वही बच्चों के पास नहीं जाने देता बिल्कुल। तो मेरा तो अनुरोध ये है प्रशासन से, उन बच्चों को कम से कम मिलाए सही, बताए सही, प्रशासन का हक तो बनता है ना कि भाई बच्चा जिंदा है आपके और यहाँ है, सुरक्षित है, और एक बार दिखा दे तो हमें संतुष्टि हो जाएगी, हाँ भाई बच्चा जिंदा है बिल्कुल। बड़ी बात सब। एक चीज आप बताएं, आपकी जो धर्मपत्नी है, बच्चों की जो दादी है, हाँ जी, आप बच्चों के दादा दादी दोनों, तो आप लोगों के एक्चुअल में हालात क्या है फिलहाल अपने पोता पोती के बिना? पोता पोती जी हमारा तो जीना हराम है, हमारे तो घर में पढ़ते हैं, तो वो तो सुबह शाम दो टाइम रो लेती है, और साहब मैं एक काम चला जाता हूँ तो एक लिप रात को पड़ी पड़ी दिन में बिरा जैसे अभी मेरा बालक हूँ, मेरा टाइम पास हो गया जी। और वो तो हम दोनों धनी वीर पोता पोती लिए बहुत परेशान सा, प्रशासन से मैंने खूब कह ली, सब की तमचा लिया, चौकी माते पर फोन आया, फिर आप दस्तक मार कर उल्टा भेज दें, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हो, परसों फोन आया, 4 दिन पहले फोन आया, मेरे आज भी कागज कार्रवाई करा, उसका बाद में कोई कागज कार्रवाई नहीं हो रही, और नहीं वो पोता पोती दिखा रहा, काफी बार साहब भीम साहब भी गए थे मेरे पास, सरदार जी भी गए थे, जयपाल मास्टर था, मोहन था, काफी आदमी गए थे, हम तो उधर पर जा लिया, बाकी कोई सुनाई ही नहीं करता, बच्चे घर में थे वहां लखो दिए, पता नहीं कहाँ भेज दिए बच्चे, उसको पता ही नहीं चला बच्चे कहाँ कहाँ, पड़ोसी ने उसका भाई ने बताया कि बच्चे तो लखो दिए, हमने बालक नहीं मिला, पर हमने तो बहुत परेशान कर रखे जी, मैं तो जीवन तो भी दाप लिया करते, जो पोता लड़का तो गया ही गया, पोता पोती ने लेगी वहां टूम लेगी, हमने कहा तू टूम मान रहा है हमारा बाल कान देते, 18-19 लाख की टूम भी लेगी, सुबह राजी खुशी भी गई, सब रात है सब शाम ना लूंगी, बात की टाइम पर मार लूंगी, मेरे बाण का बात था पाली, और जब उन्होंने कही मैं बात मार लूंगी और मैं दवाई ले आऊँ, तो उसके बाद ना तुम्हारे कोई फोन आया, बाद में बेरा पट्टा था अड़ोसी पड़ोसी आदमी ने शादी कर ली दूसरी, उसके बाद जी मेरे खूब कागज कार्रवाई लगा रही, कम तो कम सीएम ने अपना 1000 एप्लीकेशन लगा रखी होंगी, SP का लगा ली, DSP का लगा ली, अनिल बिज तेमन एप्लीकेशन लगा ली, मेरी कोई सुनाई नहीं, हाँ बस है आना करके ठीक अभी हो जाए काम, कल आ जाना तेरे बच्चे मिल जाए, फिर फोन आता अभी बच्चे नहीं आएंगे, बच्चे यहीं हैं नहीं, कभी बम्बई बताओ, कलकत्ता बताओ, कभी हलवा बताओ, कभी वो
देर वाला काम बताऊं से राजस्थान में उतनी होया मैं उतनी कोई समाधान नहीं हो रहा बिल्कुल। तो जी मैं बहुत परेशान छू और आपसे यही रिक्वेस्ट है जी मेरा पोता पोती प्रशासन की सुन करके कोई समाधान हो जाए तो मैं तो जी मैं बहुत परेशान हूँ। भारत एक्चुअल में गाँव में बसता है, गाँव का जो एक सामाजिक परिवेश है वो अलग होता है, गाँव के अंदर जो व्यवस्थाएं होती हैं पंचायती व्यवस्थाएं होती हैं वो अलग होती हैं, क्योंकि गांव में लोगों की जो भावनाएं हैं वो अलग हैं और इस देश के अंदर जो कानून है वो अंग्रेजों के जमाने से आज भी वही चल रहे हैं जो कि भावनाओं की कदर करते नहीं है। अब एक्चुअल में होता क्या है कि जो एक दादा दादी होता है उसका अपने पोता पोती से जो लगाव है वो एक अलग लगाव होता है, लेकिन जो कोर्ट है वो इन चीजों को मानता नहीं है और जो प्रशासन है उसके लिए भी ये चीजें मायने नहीं रखती हैं। अब पूरी जो सोचने वाली बात है या अगर दूसरे शब्द में कहें कि लड़ाई है वो यही बात इसी बात के ऊपर लेकर के लड़ाई है कि प्रशासन उस चीज को सोचना या मानना नहीं चाहता, कोर्ट उस चीज को सोचना मानना नहीं चाहता, लेकिन अब एक दादा दादी आखिर करे तो क्या करे, जिनके की जिगर के टुकड़े इनके जो पोते हैं वो इनके पास में नहीं है और ये सभी लोग उन्हीं के बिना मतलब ऐसे तड़प रहे हैं कि जैसे बिन पानी के मछली तड़पती है, वही हालात अब इन दादा दादी का हो चुका है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें जो सिचुएशन है वो सिर्फ और सिर्फ यही बनी हुई है, अपने पोता पोती से मिलना चाहते हैं लेकिन इनको मिलने कोई दे नहीं रहा है। तो अब आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या इनके पास में इनके जो पोता पोती हैं वो आने चाहिए, क्या इनसे मिलवाना चाहिए और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश का कानून अलग बोलता है लेकिन देश की भावनाएं अलग बोलती हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नीट IIT और JEE में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस, हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट SBI बैंक के पास मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। छब्बीस सालों का अनुभव अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहिना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपके नजदीकी गांव निमोट में। अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। IIT, PMT, GLED, CAC, PT, NDA, सैनी स्कूल और मिड्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, 1998 से। मैं पहले भी दो संस्थाएं अच्छी चला रहा हूँ, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।